कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आरके, और आज मैं आ गया हूं एक फार्म हाउस पे जो मेरी मौसी जी का है। ठीक है, और आप लोगों को हम बहुत सारा चीज़ दिखाएंगे। अब सबसे पहले दिखाते हैं, ये हमारे मौसा जी हैं, देखिए। और अभी भैंस को बांध के जो है नहाने जा रहे हैं। ये है भैंस की, भैंस जो है दो भैंस हैं, पड़िया है, और ये फार्म हाउस है दोस्तों। बहुत अच्छा फार्म हाउस है, अपने तरीके से स्टैंड अप किया गया था ये फार्म हाउस, और अपने हिसाब से, जिसमें कि तालाब भी है कुछ, और हम आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाएंगे क्या क्या चीज़ बनाए थे यहाँ पे। और आप लोगों को पहले दिखाते हैं कि ये है हमारा मेन गेट फार्म हाउस का। उसकी बाउंड्री वॉल नहीं की गई है, बाउंड्री वॉल के लिए यूज किया गया है सिर्फ टीन और बांस, मतलब बांस गाड़ के टीन का सहारा देके उसको बाउंड्री वॉल चारों तरफ कर दिया गया है। स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं फार्म हाउस का पहला सिस्टम है कि पेड़ पौधा होना, तो पेड़ काफ़ी मात्रा में लगाए जा चुके हैं और काफ़ी बड़े भी पेड़ हो चुके हैं। नीम का पेड़ है, अमरूद है, आंवला है, अंजीर है, सबको मैं दिखाऊँगा। इधर भी चारों तरफ भी बाउंड्री वॉल हर जगह, और भिंडी भी बो दिए हैं खाने पीने के लिए, भिंडी, बैंगन, और बहुत बेहतरीन फार्म हाउस है। पपीता है, पपीता का क्वालिटी कुछ कम सही है, कम क्या मतलब कि कुछ अलग तरीके का रोग लग गया है। सनी का पेड़ है, और आंवले का पेड़ है, गूलर है, और ये है भैंस जो कि अभी मौसा जी बांध के गए हैं। बहुत मारती हैं भाई, मतलब पास नहीं जा सकते हो, आँख देखिए, आँख देख सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से एकदम अच्छे से ख़तरनाक दौड़ा के मार सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए पास में नहीं जाएंगे। ये तालाब है दोस्तों, इसको साफ़ किया गया है, साफ़ करवाए हैं मौसा जी, और इसको साफ़ करवा के इसमें मछली पालन का व्यवस्था जो है किया जा रहा है। मछली पालन के लिए इसको साफ़ करवाया गया है। इसके पहले पिग फार्मिंग किया करते थे, पिग फार्मिंग किए थे कुछ दिनों तक, पिग फार्मिंग किए थे, लेकिन पिग फार्मिंग में उस तरीके का जो है आर्थिक स्थिति जो है ठीक ठाक नहीं हो पाया, क्योंकि डेवलप करना पड़ता है पिग फार्मिंग के लिए, मकान को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ कमरे बनाए थे, तो कुछ कमरे में वो काम हो नहीं पाता है। और ये देखिए बेल भी लगा हुआ है, तो पौधे हर तरीके के पौधे मिल जाएंगे आपको, बेल लग चुका है, देख रहे हैं बेल लगा हुआ है, कागजी बेल है, बड़े बेल। और ये है अंजीर का पौधा, ये अंजीर है, बकरी भी पाले हुए हैं, दो तीन बकरियां भी हैं, ये देखिए। और ये मौसी का एक पेड़ है, लीची का पेड़, हाँ यार लीची। ये गुड़हल, कितना बढ़िया फूल है गुड़हल का फूल। और रहने के लिए ये कमरा बनाए हुए हैं, जिसमें अभी कुछ पहले ऐसे लोहे की टीनें, जो लोहे की टीन होती है, पुरानी टीनें लगी हुई थी, तो चूने के कारण फिर अभी बदलाव किए हैं, जो सीमेंट वाला टीन होता है उसको सीमेंट वाली चद्दर से फिर इसको छाया गया है। और ये लैट्रिन बाथरूम का अपना व्यवस्था कर दिए हैं। और आपको दिखाते हैं इनका फॉर्म, जिसमें कि पिग फार्मिंग करते थे, पिग फार्मिंग का जो रूम है, अभी पिग फार्मिंग नहीं है, तो हर जगह अपना इसमें बकरियों को बांधने का इंतज़ाम कर दिए हैं। इसमें सारा प्याज लहसुन सारा सामान रखने का इंतज़ाम कर दिए हैं। और ये पपीता रहा, देखिए पपीता। और पिग फार्मिंग के लिए इन लोगों ने स्ट्रक्चर जो बनाया था वो इस तरीके का कुछ था पिग फार्मिंग के लिए, लेकिन अभी यहीं पे जो है भैंस बांधी जाती हैं, क्योंकि पिक जो है हटा दिए गए हैं, वो नहीं रखे हुए हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आर्थिक स्थिति नहीं सही हो पाई, और उसके वजह से जो, क्योंकि जिस तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है, बच्चों का पैदा होना, उनको जो है जिस तरीके से
उनका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, उस हिसाब से आपको बढ़ाना पड़ता है, हर तरफ जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उस तरीके से कमरे बना नहीं पाए तो फिर उसको क्लोज करना पड़ा। और आम का भी पेड़ है, तो पेड़ वगैरह फार्म हाउस पे तो जानते ही हैं, फार्म हाउस का मतलब ही है कि पेड़ों का होना। और जो अभी प्रायोरिटी दी जा रही है, तालाब पे, तालाब की प्रायोरिटी है कि तालाब में मछली पालन करना है। तालाब को तैयार किया जा रहा है, तालाब को तैयार करने के लिए तालाब में काई बनाने के लिए आपको हम दिखाते हैं उसका क्या इस्तेमाल किए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है गोबर, और गोबर से और इसमें कुछ जो केमिकल वगैरह डाल के इसको बनाया गया है, जिसमें इसका छिड़काव करेंगे तालाब में, जिससे कि काई जो है पूरे तालाब में काई तैयार हो जाएगी और पानी रुकेगा, काफ़ी दिनों तक रुकेगा, जिससे कि पानी का जो है पानी सूखेगा नहीं तालाब का। नहीं तो ऐसे पानी क्या होता है कि पानी भरा जाता है और सूख जाता है। तो यही है दोस्तों फार्म हाउस, और आगे भी इस फार्म हाउस के बारे में हम आप लोगों को वीडियो देते रहेंगे, क्योंकि ये फार्म हाउस मुझे बहुत बेहतरीन लगता है। क्योंकि यहाँ पर जो छोटे पेड़ हैं, ये सब, ये आम के पेड़ बहुत अच्छे फल दिए हुए थे इस बार। और ये है नींबू का पेड़, देखिए छोटा सा नींबू का पेड़ है और इसमें नींबू का भी फल आया हुआ है, नींबू फल दिया हुआ है, नींबू देखिए ये फल हुआ है, नींबू का फल आया हुआ है। इधर है आपका मक्का, तो सब चीज़ जो है अपनी थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ जो है यहाँ पे लगा दिया गया है। कदम का पेड़ है, आप देख पा रहे होंगे, कुर्थी है जिसका हम सब्जी बनाते हैं, खीरा भी लगाए हुए हैं। तो हर चीज़ यहाँ पे मतलब अपने हिसाब से जो यहाँ पे तैयार हो सकता है वो चीज़ किए हुए हैं, उस चीज़ को लगाए हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, मैंने कहा ना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं इस टाइम इस फार्म हाउस पर मछली पालन के लिए। मछली पालन इसमें बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने में मछली पालन स्टार्ट करेंगे। और मछली पालन करने के बाद में तब मैं आपको, मछली पालन होने के बाद में भी हम इसका वीडियो ज़रूर आप लोगों को देंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये गांव का फार्म हाउस है दोस्तों, और जानते ही हैं गांव में चीज़ें कैसी होती हैं। अभी हम आपको गाँव की ही जो है हर जगह की, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, जैसे मैं अपने भी रिलेशन में जा रहा हूँ, गाँव की हरियाली को देखते हुए, गांव की हरियाली देखने में मतलब एक अलग सा ही फील महसूस, अंदर से मतलब अलग से एक फीलिंग उत्पन्न होती है, जो कि बड़े खुशनुमा मतलब लगता है। मौसम ऐसा है और पूरा हरा भरा पूरा दिख रहा हो, चारों तरफ हरा भरा दिख रहा हो और फार्म हाउस हो वहां पे, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे फार्म हाउस हम लोगों को जल्दी हर जगह नहीं मिलते हैं, हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं। और हम लोग जो है ज़्यादातर फार्म हाउस, बड़े फार्म हाउस देखे हुए हैं, जो कि मुर्गी फार्म हो गया या पिग फार्मिंग हो गया। तो मुर्गी फार्म हाउस तो जिस तरीके से आपका हरियाणा, पंजाब, इन सब जगहों पे देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा स्टार्टअप था, वो स्टार्टअप बीच में टूट गया, और बीच में टूटने के बाद फिर से जो है इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट किया जा रहा है। रीस्टार्ट में पिग फार्मिंग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि पिग फार्मिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों का इंतजाम किया जाता है, और वो सारी चीज़ें करने के लिए आदमी चाहिए, घर में रिस्पॉन्सिबल आदमी चाहिए, तो वो चीज़ है नहीं। मेरे मौसा जी हैं, मेरे मौसी हैं, उनके छोटे बच्चे हैं जो कि जॉब में हैं, बाहर रहते हैं मैक्सिमम, और वही इस चीज़ को आगे डेवलप करने के लिए तैयार हुए हैं, और ये मछली पालन का काम उन्हीं के द्वारा करवाया जाएगा। तो मछली पालन, जैसे ही मछली पालन यहाँ पे स्टार्ट होगा, मैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर दूंगा। तो थैंक यू, और अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे मैं किसी अगले वीडियो में। अब बाय, और अपना ध्यान ज़रूर रखें।